केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानून के खिलाफ पिछले एक महीने से ज्यादा समय से दिल्ली की सीमाओं पर धरने पर बैठे किसान संगठन के प्रतिनिधियों की केंद्र सरकार के साथ अगले दौर की बातचीत आज राजधानी के विज्ञान भवन में हो रही है। केंद्र सरकार से बातचीत के लिए किसान नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल विज्ञान भवन में पहुँच चुका है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने कहा, हमें उम्मीद है कि वार्ता निर्णायक होगी। हालांकि इस वार्ता के नतीजे को लेकर संशय है, क्योंकि किसान संगठन इन कानून को वापस लिए जाने से कम पर मानने को तैयार नहीं है। वहीं सरकार कह चुकी है कि इस कानून में संशोधन तो हो सकता है, लेकिन उन्हें रद्द नहीं किया जा सकता। वार्ता से पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार को पत्र लिखकर अपनी मंशा जाहिर कर दी है। उनका कहना है कि वे तीन नए कृषि कानून को रद्द करने और MSP की लीगल गारंटी के एजेंडे पर ही बातचीत करेगी। सरकार को कृषि कानून रद्द करने के तौर तरीके पर चर्चा करनी होगी। वार्ता की पूर्व संध्या पर किसान संगठनों के अपनाए गए इस रख से वार्ता की सफलता पर संध्या के बादल एक बार फिर से छाने लगे हैं। बता दें कि वार्ता से पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, रेल वाणिज्य व खाद मंत्री पीयूष गोयल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर वार्ता में उठने वाले मुद्दों और उनके समाधान के बारे में चर्चा की। सरकार किसान की शंकाओं के समाधान को लेकर गंभीर है। अब तक 5 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। प्रेट के साथ एक साक्षात्कार में पवार ने कहा कि यदि सरकार किसानों से अगले दौर की वार्ता में भी समाधान निकालने में विफल रही तो विपक्ष बुधवार को भविष्य की रणनीति में विचार करेगा। इंडियन प्राइम न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट।